मेरे जॉनर का प्रोग्राम है, ये कॉमेडी का प्रोग्राम है, इसलिए मैं ये शो कर रहा हूँ। और इसमें लाइक मेरा स्टैंड अप भी मेरे को करने का मौका मिलेगा, लाइक गैग्स भी होंगे, कुछ इस तरह का प्रोग्राम है ये, जहाँ यू कैन से आई एम ए कॉमेडियन। तो मेरा काम है स्टेज पर काम करना ना, तो ट्रीटमेंट कैसा होगा, एग्जीक्यूशन कैसी होगी, वो तो डायरेक्टर मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो बस पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। सो पंजाब की एक टीम होगी जिसमें और भी मेंबर्स होंगे, जो चार लोग और होंगे, तो पांच लोगों की ये टीम होगी। इस तरह से पंजाब की टीम अलग से होगी, गुजरात की टीम अलग से होगी, तो इस तरह से टीम्स बनेंगी, जिस तरह की आईपीएल में टीमें बनती हैं, इसी तरह से इंडियन मजाक लीग में भी टीम्स बनेंगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये एक फॉर्मेट ऐसा है कि कंपटीशन होगा इसमें, लेकिन व्हाट आई फील कि कॉमेडी का कोई कंपटीशन नहीं होता ना, कि कॉमेडी में मेरा काम है हंसाना, तो मैं वहाँ पर इसको ये माइंड में नहीं रखूँगा कि मैंने इस तरह वाला कोई सीन नहीं है, सिर्फ कॉमेडी करूँगा और अच्छा लगेगा तो वो हंसेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो एज ए जज सामने बैठेंगे तो हम परफॉर्म करेंगे, उनको हंसी आएगी, उनको जितना उनको अच्छा लगेगा उस हिसाब से वो हमें मार्क कर देंगे। स्टैंड अप कॉमेडी है, इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है ना, वो हम खुद ही बनाते हैं, जिस तरह से हम खुद ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ें कि आदमी चलता कैसे है ना, पंजाब के लोग ज़्यादा क्या करते हैं, गुजरात के लोग ज़्यादा क्या करते हैं, वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कि लिखी नहीं जाती, वो खुद ही ऑब्ज़र्व की जाती हैं। ये नहीं कि वो राइटर ऑब्ज़र्व करता है फिर वो आपको बताता है, अगर वो ऑब्ज़र्व करके बताएगा तो ऑब्ज़र्व करके खुद क्यों नहीं कर सकता वो ना। तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं लिखी जाती कभी। हाँ गैग्स होते हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स होती हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स में भी जो कॉमेडी है जिस एक्टर ने करनी होती है वो उसके हिसाब से ही लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो नहीं लिखी जा सकती है ना। जिस तरह से सपोज़ मान लो इमरान हाशमी साहब की पिक्चर है, तो इमरान हाशमी जी को माइंड में रखकर वो फिल्म उस हिसाब से लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई उस तरह की फ़िल्म लिख दी है तो उसमें बोलो जी इमरान हाशमी जी इसमें कर दिए ना, तो ऐसा नहीं होता। तो वो गैग्स होते हैं, गैग्स में राइटर्स जो लिख देते हैं, उसके बाद हमें अपने तरीके से अपने एक स्टाइल की इनपुट डालनी पड़ती है, तो वो हम डालते हैं। नहीं नहीं नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है कि वो सेलिब्रिटी आकर बैठेंगे तो आप हम जाकर उनका इंटरव्यू लेंगे, इस तरह का कोई उसमें अभी जहाँ तक जितना मुझे मालूम है इस तरह का कुछ भी नहीं उसमें। उसमें खाली गैग्स होंगे, गैग्स हम करेंगे, तीन लोग करेंगे, चार लोग करेंगे, उसके बाद जजेस उनको जज करेंगे किस तरह से हुआ, कैसा हुआ, दूसरे से बेटर हुआ, दूसरे से कम अच्छा हुआ, तो उसके हिसाब से वो मार्क करेंगे। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आई नो। हाँ मैंने उनको बिल्कुल उनको बताया है कि मैं ये शो कर रहा हूँ और उसमें ये ज़रूर है कि अगर सेम टाइम स्लॉट पे ये चीज़ें आती हैं कि मान लो वो 9 बजे आता है, 9 से 10, अगर ये भी 9 से 10 आएगा तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये काम है जी मेरा है ना, तो वो मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा तो कोई नहीं है कि मैं अपना शौक पूरा कर रहा हूँ ना, कि नहीं पापा ने बोला है वही शो करना है, इस तरह का कुछ नहीं है। तो हाँ सेम टाइम स्लॉट पे अगर ये शो होगा तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, फिर वो फिर मतलब मेरी जो प्रायोरिटी है जी वो कपिल शर्मा शो ही होगी जी, इसलिए वो शो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। ये आप वो पता नहीं मिस कम्युनिकेट हो गई है बात, लेकिन मैं कपिल शर्मा शो नहीं छोड़ रहा हूँ और ये भी शो मैं कर रहा हूँ जी।